सबसे पहले मैं सिकंदर और इकबाल बख्श को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये नया रफ्ता विनोद ट्रेलर देखा है इसका काम बहुत अच्छा लगा। ये ना सिर्फ हमारे साथी हैं बल्कि हमारे हमारे खानदान का एक हिस्सा है सिकंदर। कोई भी हमारे घर में फंक्शन इनके बिना नहीं होता है। मैं ये कहूंगा कि आज गुंडा के ट्रेलर लॉन्चिंग पर मुझे क्यों बुलाया गया, क्योंकि मेरा इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जवाब यह है कि गुंडा के ट्रेलर लॉन्च पे एक मशहूर गुंडे की भी जरूरत थी, एक मशहूर बहुत पुराना गुंडा। तो जिस तरीके से कोई बैंक का फंक्शन होता है तो बैंकर्स को बुलाया जाता है, स्पोर्ट्स का फंक्शन होता है तो स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाया जाता है, तो गुंडा की अगर लॉन्च हो और कोई चीफ गुंडा ना आए तो फिर क्या मतलब। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। बड़ा थ्रिलिंग ट्रेलर लगा मुझे, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, बहुत अच्छे ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं, बहुत अच्छे कैमरा एंगल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये फिल्म ऊपर वाले ने चाहा तो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाब रहेगी। और मेरी तमाम शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, इकबाल भाई के साथ हैं। जब इनकी गुंडा देखी तो एक इसका एक्सटेंशन अलग तरीके का है, उसमें ये फोटो जो हमारा देखा वो गलत लगा है। फिल्म का नाम है नाड़ा पांडे और 100% वो राजपाल यादव नाड़ा पांडे कर रहे हैं तो उसके गुंडा सिकंदर भाई कर रहे हैं। और कोशिश करूंगा कि ये दो फिल्में एक निरहुआ के साथ में लल्लन टॉप है जो प्रकाश जैसे हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं, और एक फिल्म जो है सिकंदर भाई के साथ नाड़ा पांडे है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये फिल्म में कितना आपको मजा देगी ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म में जितने, क्यों 33 करोड़ भोजपुरी लोग हैं लगभग सूरीनाम से लेके फिजी से लेके पूरे हिंदुस्तान से लेके पूरे वर्ल्ड में, तो 33 करोड़ में 3 करोड़ लोगों को भले मजा ना आए लेकिन 30 करोड़ लोगों के लिए जरूर ये फिल्म होगी जिसका नाम है नाड़ा पांडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये गुंडा का जिस तरीके से हम सिकंदर भाई हमें बता रहे थे, वाकई जिस माहौल को दर्शाया है, आई थिंक 2019 की ये भोजपुरी की बेस्ट फिल्म होनी चाहिए ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू। लग रहा है एक कानून तोड़ने वाला भाई है, एक कानून का मुहाफिज भाई है। तो ये जो क्लैश है ये गंगा जमुना से चला आ रहा है, दीवार से चला आ रहा है। और जब भी दो भाइयों की कहानी होती है तो बड़ा उसमें एक ड्रामा होता है। और ये भी कहूँगा कि एक नई टीम है, एक फ्रेश टीम है, एक बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की है और ऐसा लग नहीं रहा है कि सब नए लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो ये कहूँगा कि ये फिल्म जो है गुंडा नाम जो है ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। शरीफ इंसान नहीं करते, गुंडा नाम जो है उसमें ही एक अट्रैक्शन है। तो यकीनन ये गुंडा भी बॉक्स ऑफिस की खिड़की पे ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। यही अर्ज किया कि हालांकि इस फिल्म का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है या मेरा इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैंने यही कहा कि गुंडा की ट्रेलर रिलीज पे जो मुझे बुलाया गया है, शायद उसकी वजह यह है कि इन्हें एक सर्टिफाइड गुंडा चाहिए था, इन्हें एक मशहूर गुंडा चाहिए था, इन्हें एक फर्स्ट क्लास रिकग्नाइज्ड
गुंडा चाहिए था, इसलिए गुंडे की ट्रेलर रिलीज पर उन्होंने एक बहुत ही रिकग्नाइज गुंडे को बुलाया। बिहार यूपी में बल्कि कुछ पॉकेट्स हैं पंजाब के हरियाणा के जहां चार शो रेगुलर भोजपुरी फिल्मों के दिखाए जाते हैं, और उसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशस है, हॉलैंड है, साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम। यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत भोजपुरी फिल्मों की एक टेरिटरी खुल गई है, तो वर्ल्ड वाइड जो हैं आज भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हर इंसान जो है खान्स के साथ या कुमार्स के साथ या कपूर्स के साथ या रोशन्स के साथ फिल्म नहीं बना सकता। अब जिसे कुछ बनाना है, जिसे अपनी रोजी रोटी चलानी है, और एक फिल्म जब बनती है तो तकरीबन 150 परिवार पलते हैं, 150 परिवारों की रोजी रोटी का एक फिल्म जरिया होता है, इतने वर्कर काम करते हैं। तो ये एक रास्ता है, ये एक मैं ये कहूँगा कि एक सरल रास्ता है ये फिल्म बनाने का। बजट भी इसमें कम होता है, अगर अच्छी फिल्म आप बनाते हैं तो वर्ल्ड वाइड वो फिल्म बिक भी जाती है, उसका म्यूज़िक भी बिक जाता है, और फिल्म अगर आप अच्छी बनाते हैं तो भोजपुरी जो है आज एक प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन है, वरना सैकड़ों फिल्में जो आज बन रही हैं यूं ही नहीं बन रही हैं। चेंज तो बहुत आया है, एक पहली फिल्म बनी थी गंगा भैया तो है पीरी चढ़ई, वो एक ऐसी फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट जिसमें कुमकुम और सुजीत कुमार थे, कि गांवों से लोग बैलगाड़ियों में ट्रकों में ट्रैक्टरों में लाइन लगाते थे दो दो तीन तीन दिन उस फिल्म के टिकट के लिए, वहां से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती रहीं, पद्मा खन्ना की बनती रहीं, सुजीत कुमार की बनती रहीं, राकेश पांडे की बनती रहीं, और एक बहुत मशहूर एक्टर थे कैरेक्टर एक्टर नज़ीर हुसैन साहब, वो भी भोजपुरी फिल्में डायरेक्ट करते थे। उसके बाद कलर का ज़माना आया, इसका जो है ग्राफ बहुत बढ़ गया। एक जो तब्दीली आई है जिसे मैं अच्छी तब्दीली नहीं कहूँगा, कि बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग के डायलॉग्स, डबल मीनिंग के गाने जिन्हें हम आइटम सॉन्ग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग के आने लगे। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म चलती है। और क्या होता है कि जब डबल मीनिंग की फिल्में होती हैं तो वो पारिवारिक फिल्में नहीं होती हैं, फिर परिवार के सदस्य एक साथ बैठ के वो फिल्में देख नहीं सकते। तो वो काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है अभी भी, और बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स पैदा किए, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं, रानी चटर्जी हैं, इनके नाम पे लोग फिल्म देखने जाते हैं, और अपनी एक भोजपुरी फिल्मों की अभी भी एक बहुत अच्छी एक मजबूत ऑडियंस है, और खूब पब्लिक का आशीर्वाद मिले, और अच्छी कास्ट क्रू है, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है, और किसी अच्छा बाद मैसेज भी दे रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप देख लो, रील ये है और रियलिटी में इसको अच्छे से ले लो, तो इसके बहुत बढ़िया मैसेज है कि गुंडागिरी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, उसके रिजल्ट ये हैं, वो फिल्म उसको दर्शाती है। तो ये फिल्म गुंडा को नहीं प्रमोट कर रही है, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनका क्या हश्र होता है उनका बुरा वो दिखा रही है। और वैसे ही सिकंदर भाई और ये टीम हमारी अच्छी, हम लोग पिछले जब हम लोग एक्टिंग में शुरुआत कर रहे थे तब से हम लोग दोस्त हैं, तो एक नाड़ा पांडे फिल्म थी हमारी बहुत अच्छी, श्री आनंद जी ने लिखी थी, तो वैसे ही करते, क्योंकि वो भी पृष्ठभूमि एक है लेकिन कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो रोल हमारा बहुत पसंदीदा रोल था। मैंने कहा भोजपुरी में अगर ये फिल्म बनती है तो मैं ज़रूर इसका नाड़ा पांडे का रोल करना चाहूँगा,
तो वो फिल्म सिकंदर भाई ने और हम लोगों ने पहले उस पर मेहनत करके रखी थी, तो ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसकी शुरुआत हम लोग दीपावली के आसपास वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं भोजपुरी सिनेमा जो है वो शौक के लिए करना चाहता हूँ, रोज़ी रोटी नहीं, क्योंकि रोज़ी रोटी के लिए तो थिएटर से लेकर बहुत कुछ हिंदी सिनेमा ने बहुत कुछ दे दिया है। तो ऐसी फिल्म करूँ जिसमें हमारे 33 करोड़ भोजपुरी लोग हैं या जो पूरे विश्व में जो भी उस फिल्म को देखे वो आशीर्वाद दें, मैं उस तरीके की फिल्म देखना चाहूँ। उस पर ऐसी स्टोरी मिल गई, इसलिए हम लोगों ने हाथ मिला लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारी ज़रूरत है भोजपुरी के लिए, क्योंकि जितना मैं भोजपुरी समझता हूँ कि हमारे देश में इतनी लैंग्वेज हैं, भोजपुरी एक बड़ी एक अलग सी मिसाल है, एक अलग सी मिठास है। भोजपुरी एक बहुत बड़ा कल्चर है, लेकिन मुझे लगता है विश्व के सामने भोजपुरी का जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेशन है। भोजपुरी में जो परिवार रहते हैं, आप विश्वास करिए, मुझे नहीं मालूम कि फिल्में क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए सौभाग्य होगा कि अगर भोजपुरी के 33 करोड़ लोग हैं, इस फिल्म को 3300 करोड़ बच्चे से लेकर बूढ़े तक एंजॉय कर पाएँ, किचन में देखें, मंदिर में देखें या मस्जिद में देखें, कहीं भी देखें, फिल्म का एंजॉय करें, स्वस्थ मनोरंजन लें और स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। एक गाने देख लिए तो फिर हिम्मत नहीं कर पाए भाई, सॉरी। अब उसके बाद गुंडा देख रहे हैं और गुंडा की सब्जेक्ट जो है वो ट्रेलर और वो बाकी भोजपुरी की ट्रेलर, बहुत भोजपुरी से अटैच बहुत हूँ, लेकिन भोजपुरी के जो गाने हैं उनमें मैं फिट नहीं महसूस कर रहा था, इसलिए हिस्सा नहीं बन पा रहा था। लेकिन इसमें जो गाने हैं वो बिल्कुल पारिवारिक हैं और कोशिश करूँगा कि 97% लोगों के लिए हर किचन की फिल्म बने। गुंडा फिल्म बनाने में मुझे 9 महीना लग गया, क्योंकि शूटिंग से जाने से पहले मैंने काफ़ी प्री प्रोडक्शन जो होता है, कहानी सेटिंग सारे कुछ बैठ के, क्योंकि जो प्लानिंग किया जो 25 दिन में हम गए थे वो हमने 20 दिन में करके आ गए, क्योंकि मेरी प्लानिंग इतना स्ट्रांग था और सारे लोग इतने थे हमारे साथ, इतने हैप्पी थे, लोगों ने बोला यार मुझे भोजपुरी में हम लोगों ने इतनी फिल्में किया लेकिन ऐसी फिल्म लग रहा है कि एक फैमिली माहौल है, कोई गंदगी नहीं कुछ नहीं। तो हमारी फिल्म क्या है, बहुत अच्छे मूड से बना है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, गाने अच्छे हैं, फैमिली भी आप माँ अपने माँ बहन भाइयों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर हमने ऐसा बनाया क्योंकि हमको भी गंदगी से बहुत ही ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। गाना आपने देखा ही है, गाना है, कहानी है, डायलॉग है, लोकेशन है, सब कुछ आपको फ्रेश मिलेगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सीधे साधे हैं और सीधे साधे को गुंडा बनाने में टाइम लगता है। और स्क्रीन पे तो आपको हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही होगी, बट ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री ना बहुत झगड़े होते थे स्क्रिप्ट को लेके, डायलॉग्स को लेके और बॉडी लैंग्वेज को लेके, और हम लोग बहुत झगड़ते थे और ये हमारी बात मानते भी थे कि नहीं आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, और उसी का आज आउटपुट ये आया है। मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है कि मैं न्यू कमर्स के साथ में काम नहीं करूँगी या नहीं करूँगी आगे जा कर के, मैं बिल्कुल करूँगी। और जैसे कि देखिए आज हमारा रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। एक मेरा यू टर्न पॉइंट है जीवन का, कि एक जो सोच के मैंने अपने करियर को शुरुआत किया था उसका, इसको यू टर्न पॉइंट कहेंगे, कि लाइफ को मैंने एक नया मोड़ दिया है अपने जीवन के करियर का, जो मैंने गुंडा से शुरुआत किया। एक नाम गुंडा है, एक फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है, जो सिकंदर सर ने मेरे को एक अच्छा मौका दिया। इसके साथ मेरी पूरी टीम ने काम किया मेरे साथ में, और मेरे साथ अंजना मैम ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि गलतियों पे झगड़ा भी होता था, डांटती भी थी, समझाती भी थी, और मैं उसको एक्सेप्ट करता था कि जी मैम दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर गलती कहीं है, मैं नया हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, वो एक नया चीज़ थी तो मैं समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अब समझने लगा हूँ कौन चीज़ कहाँ से होती, और वो गलतियाँ जो मेरी हो मैंने छुपाया नहीं, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और आगे डेवलप किया, और आज रिज़ल्ट देख करके ऐसा लगा कि वो गलती मानना ही मेरे लिए अच्छा था, जिसका रिज़ल्ट आप लोग के सामने आज दिखा, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कभी नहीं वो चीज़ नहीं है, देखिए जो चीज़ होती है सीनियर और जूनियर हो तो हर इंडस्ट्री में है, ठीक है, लेकिन जूनियर को अपनी जूनियरिटी को में के दायरे में रहना चाहिए, और मैं अपने दायरे में रख के काम किया। विनोद थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ था, हड़बड़ाया हुआ था, एक्चुअली पहला दिन पहला शॉट, कुछ नहीं पता उसको, कभी सीखा नहीं उसने, कभी कैमरा फेस किया नहीं उसने, तो बहुत ही डरा सहमा था वो। बट जैसे जैसे लोग उससे मिलते गए, प्यार से बात करते गए, सारी उसके लोगों से केमिस्ट्री बनती गई, वो खुलता गया, और आखिरकार वो पहले दूसरे दिन तीसरे दिन
तीसरे दिन तक तो वो मतलब खुल चुका था और बहुत अच्छा काम करने लगे। जो एकदम ही रॉ हैं, ऑलरेडी उनका एक पैर तोड़ चुके थे। हाँ, तो मैं बोलूँ तो गाने के लिए वो तो इंजर्ड हो गया, वैसे ही वो रॉ हैं ऊपर से। लेकिन उसने पैर में रोज रात को बाम लगा के गर्म पानी में सेक के रोज सुबह खड़ा रहता था 6 बजे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिकंदर खान जो पहली बार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त और भाई जब आए मेरे पास कि ये फिल्म करनी है करके, तो पहली बात तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद कहे कि मैं भी इसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, और वो एक्टर है भी, बट एज ए हीरो पहली बार कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा मिस्टर इकबाल बख्श उसके डायरेक्टर थे, तो इनके साथ हमेशा मन करता है कि काम करें, क्योंकि ये कहीं से भी रोकते नहीं हैं किसी। मतलब मुझे कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई सेट चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये कभी मना नहीं करते और फ्री हैंड देते हैं सामने वाले को, तभी इस फिल्म में वो रिजल्ट दिख रहा है। तो हर आदमी नया होता है, लेकिन हम मास्टर्स को इसीलिए रखा गया कि उनको अच्छे से हम प्रेजेंट करें, ताकि वो स्क्रीन पे टेढ़ा ना लगे, स्क्रीन पे लंगड़ा ना लगे, स्क्रीन पे हीरो लगे।